एक गाना आपके समक्ष मैं कैसेट के सजन से गाने जा रहा हूं, और गाने का शीर्षक है महाराष्ट्र में प्रलयकारी भूकंप का तांडव। तो गाने का चार लाइन कवि ने श्रृंगार किया है, और कैसे बा विश्व कंपित हुआ सुन प्रलय वेदना चक्षु दीर्घों की सरिता बिलखने लगी घोर निद्रा में ऊषा थिसिमटी हुई भानु अंबर में वो झिल व्यथित सो रहा अरे नींद में सारी दुनिया थिसिमटी हुई खो गई चांदनी जब अंधेरा हुआ शेष सैया से फुतकार मारे प्रलय की घोर तांडव में कल का सवेरा हुआ। शेष सैया से फुतकार मारे प्रलय की घोर तांडव में कल का सवेरा हुआ। कहना बा परमात्मा के प्रति कवि के दो लाइन का, और यहाँ एक गजल लग गई, और गजल वह बा कि काहे के दिल के बीच में दरार हो गई काहे के दिल के बीच में दरार हो गई काहे के दिल के बीच में दरार हो गई बा तो काहे के दिल के बीच में अरे दरार हो गई अरे का भूल हमसे आज ये सरकार हो गई लेकिन गाने का तर्जरल है, लेकिन गाने को आवश्यकता कवि ने क्या लिखा है कि विध्वंस करके अरे विध्वंस करके आपने क्या पाया है खुदा विध्वंस करके आपने क्या पाया है खुदा विध्वंस करके आपने क्या पाया है खुदा तो अरे विध्वंस करके आपने क्या पाया है खुदा अरे करना था गर प्रलय ही क्यों बसाया है खुदा करना था गर प्रलय ही क्यों बसाया है खुदा। कहना परमात्मा से कवि का दुलाइन कि अगर आपको विध्वंस ही करना था तो इस मानव रूपी पिंजरा का यहाँ पोषण करने क्या आवश्यकता थी, लेकिन ये कहानी कहाँ के बाद कहाँ विध्वंस भइल ललारे लारे लारे लर ललारे लारे ला ललारे लारे लारे लर ललारे लारे ला जिला उस्मानाबाद ला तू संकिलारी है आया भूकंप लाया तांडव प्रलयकारी है समापन पूजा गणपत बप्पा के वो दिन भइले सजोए सपना के पुरवासी अंगनवाइले। महाराष्ट्र में लातूर नाम स्थान बा, महाराष्ट्र में गणपति देवता का पूजन बहुत विधि पूर्वक वहां के लोग बड़ा धूमधाम से मनावत रहल, और ठीक उनकी प्रतिमा का विसर्जन करके जैसे ही पुरवासी अपने अपने पिजड़े में स्थान ग्रहण करते हैं रात को सो जाते हैं सुबह का पता नहीं क्या हो जाता इंसान को कभी खबर नहीं होती है। तो समापन पूजा गणपत बप्पा का वो दिन भइले सजोए सपना के पुरवासी अंगनवा इले काल के गाल में बिछाए हैं चादर अपनी बना बिस्तर ही कफन चुनरी बन गई ढकनी 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 ऐसी व्यवस्था हो गई तत्काल रात रात में
बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया, पूरा स्थान शमशान रूपी चेहरा लेकर के। तो कहना बा कि खिलते चमन, अरे खिलते चमन में आग क्यों लगाया है खुदा, खिलते चमन में आग क्यों लगाया है खुदा, खिलते चमन में आग क्यों लगाया है खुदा। तो खिलते चमन में आग क्यों, अरे लगाया है खुदा, हर मकान को शमशान क्यों बनाया है खुदा, हर मकान को शमशान क्यों बनाया है खुदा। ये घटना कब कर रहा दुल्हन बिरसिया कर रहा। आए 30 सितंबर सोना, अरे 93 वाली रतिया हो, अरे सोए भारतवासी बंदा आखी का पुतरिया, अरे आधी रात बीतल ठीक तीसरे पहरिया हो, अरे आयल भूकंप ध्वस्त लाखो बखरिया। आधी रात के समय में भूकंप इतना तगड़ा भूचाल लेके आयल विनाशकारी रूप धारण कैलस, लेकिन वो विनाशकारी भूकंप में लोग तितिर बितिर हो गए। एक महिला अपने पति के और अपने परिवार के ढूंढत बा और कहत काबा परमात्मा से, यहाँ तर्ज लग गए। और तर्ज फिल्म के बाद कि महलो महलो का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करे, महलो का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करे, महलो का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करे। लेकिन गणवा के अंदर कभी का लिख लें कि बन के काल लीला लिया, बन के काल लीला लिया, सुनो रे सुनो मोरा पिया, बन के काल लीला लिया, सुनो रे सुनो मोरा पिया, करुड़ा भर क्रंदन रे करुड़ा भर क्रंदन, करुड़ा भर क्रंदन कर गीता बिलखाई, आठ पोती पोता व बेटवा गवाई, आठ पोती पोता व बेटवा गवाई, आठ पोती पोता व बेटवा गवाई। अरे हमको भी विधवा किया, हमको भी विधवा किया, सुनो रे सुनो मोर पिया, हमको भी विधवा किया, सुनो रे सुनो मोर पिया, हमको भी विधवा किया, सुनो रे सुनो मोर पिया। भैया सुबह होते होते प्रलयकारी रूप धारण के लिए भूकंप के क्षेत्र जनबा बिल्कुल शमशान बन गए। थाना में खबर गई जे बचल खुचल आदमी रहल, थाना में संदेश पहुंचलस। जब थाना में संदेश गई बा तो वहां से दरोगा जी अपन पुलिस फोर्स लेके वो दौड़ा कैलो क्षेत्र का। यहाँ कभी का तर्ज लिखे पड़ल का, और तर्ज है बा की दरोगा जी चोरी हो गई,
लेकिन गनवा कंदर कवि का लिखलन कि दरोगा जी किलारी चल दिए दरोगा जी किलारी चल दिए दरोगा जी किलारी चल दिए और 7,000 जान और 7,000 जान संगले लारी चल दिए दरोगा जी किलारी चल दिए दरोगा जी किलारी चल दिए दरोगा जी किलारी चल दिए। भैया दरोगा जी जब पहुंचना है दौरा पे और स्थान के निरीक्षण करे लगलन तो देखलन इतना मातम छैले रहल कि दुनिया जौन है बुझात रहे कि बिल्कुल शमशान बन गई बा। तमाम स्वयंसेवी संस्था वहां एकत्रित हो गई। वही शमशान रूपी तांडव में एक महिला जनबा अपने लड़का के लेके मृत बालक के गोद में लेकर के और दफन करने के लिए जा रही है। लेकिन बाबूजी प्रमाण मिला कि वहां जो है बारिश इतनी तेज हो रही थी कि शमशान घाट में मुर्दा लाश जलाने की भी व्यवस्था नहीं ढंग से थी। लेकिन वो महिला जात बाबू कैसे और यहाँ तर्ज लग गई यो फिल्म का तर्ज बा और फिल्मिया में कैसे नायक कहला नायिका के वियोग में अरे याद आ रही है तेरी गाह जा रही है। भैया लेके लड़का के महतारी जनबा शमशान के तरफ चल देहलस और परमात्मा से कहत बका अरे हाय विधाता तूने मेरा जीवन साथी छीन लिया जनबा बारस में भिजती हुई अबला अपने बालक को लेकर के जाती है और थोड़ी सी स्थान को खोद करके अपने बालक को वहां दफन कर देती है। लेकिन कभी के यहां थोड़ा सा वहां के वातावरण पर प्रकाश डाले पड़ल कि कितना विध्वंस भइल वहां यहां तर्ज लगे भोजपुरी के बाबा और तर्ज है बा कि
माता बहन लोग गावेला जब स्नान करे जाला वाह भैया कैसे कि अरे कैला स्नान विमल जल सरज के भैया यह तजुर्बा लेकिन गाना कर आए, अरे हरि जी हमारे चिरैया बन के उड़ गई ने हरि जी हमार हो चिरैया बन के उड़ गई ने हरि जी हमार हो चिरैया बन के उड़ गई ने आ एक महिला अपने पति के वियोग में कहत बा लेकिन कवि के लिखे पड़ल का अरे ललना हजार महतारी उनसे रूठ गईली ललना हजार महतारी उनसे रूठ गईली ललना हजार हो महतारी उनसे रूठ गईली अरे खेत खरिहान जब सामान लागे घरावा हो खेत खरिहान लाखों के दबावले मलावा दे के अपन भरावा हो अवर अरे जाने चली गई ले अब तो 40,000 महतारी उनसे रूठ गई ललना हजार हो महतारी उनसे रूठ गई ललना हजार हो महतारी उनसे रूठ गई प्रमाण मिला कि 40,000 लोगों का पतन हुआ विध्वंस हुआ लेकिन विध्वंस भइल और वहां के स्वयंसेवी संस्था एकत्रित होके काम का कैलस यहाँ तज लग गई जो है बाप ललकी महलिया वाली आय है भैया अरे ललकी महलिया में ललकी झलरिया मोरे रामा उहे रे झलरिया जनवा मारे ले हो हे रामा उहे रे झलरिया जनवा मारे ले हो राम हे रामा उहे रे झलरिया जनवा मारे ले हो राम इतर जवाब लेकिन गाने को सीता का बा कावन लातुरा नगारिया में मचली हाहाकारिया मोरे राम मचली हाहाकारिया मोरे राम मचली हाहाकारिया हो राम ए रामा चीतावा पचितवा सब सजावेल हो राम हे राम चीतावा पचितवा सब सजावेल हो राम हे राम चीतावा पचितवा सब सजावेल हो राम आ भैया इतना व्यवस्था बिगड़ गेल रहल कि वहाँ आदमी के जलावे का स्थान नहीं रहल आदमी के ऊपर आदमी के रख के जलावल गई लेकिन भइल का भाई? अरे सेना सिपाही सेना सेवक वाली टोलिया मोरे राम सेवक वाली टोलिया मोरे राम सेवक वाली टोलिया हो राम ए रामा दूधवा दवैया बाटी आवेल हो राम भैया स्वयं सेवक की संस्था वहां इकट्ठी होकर के दवा दूध
रोटी वगैरह वगैरह जो भी रोजमर्रा की व्यवस्था थी वहाँ पूर्ति करने लगे। लेकिन वहाँ गुजनबा कुछ तुच्छ आत्मा पहुँच गई लें और लोग कैले का अरे लेकिन भिखारी बनले आके तामस बिनावा मोरे राम आके तामस बिनावा मोरे राम आके तामस बिनावा हो ए रामा भिखिया में भिखिया छीन भागल हो ए रामा भिखिया में भिखिया छीनी भागल हो राम। लेकिन ओकरे ऊपर वो तुच्छ भावना के ऊपर कभी को प्रकाश डाल पल का तेरी भावा आए अरे लुटेरे ना समसान देखते अरे मातम मातम बिरा वेदना मौत की साया घेरे लुटेरे ना समसान देखते मातम वो आदमी से डेकोरेशन भावना रहल अरे संभल जरा तू दुष्ट लुटेरा भूल रहा अभिमानी तू अरे मानव की भी बसता को क्यों लूट रहा मनमानी तू अरे प्राकृत के बगिया अंदर अरे घूम रहा तू सीना खो अरे मीजा जैसका बदल गया बाबू खोल के देगा सहारा तो खोल के देगा सहारा खोल के देगा सहारा अरे दिया माता दिया खोल के देगा सहारा खोल के देगा सहारा बोल बाबू खोल के देगा सहारा बोल बाबू खोल के देगा सहारा बोल कहना बा कि परमात्मा से डर पापी मरे हुए को क्यों मार रहा है। लेकिन कहना बाप आल्हा का भाव आए अरे डूबते कतिन का कैसा हरा मिल जा लाए भैया डूबते कतिन का कैसा हरा मिल जा लाए भैया डूबले कतिन का कैसा का डुबावे चाहे खेत लावे पार अरे भारत सरकार अपन सहमत देखवले भैया भारत सरकार अपन सहमत देखवले भैया भारत सरकार अपन सहमत देखवले भैया पीबी नरसिम्हा राव कैले ऐलान पचास करोड़ रुपया कोस से दियवल भैया पचास करोड़ रुपया कोस से दियवल भैया पचास करोड़ रुपया कोस से दियवल भैया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस राहत कोष में काफी अनुदान किए लेकिन सदर मेला थोड़ा सा आए अरे बम्बई से शरद पवार तत्काल अरे कैंप लगौल सोलापुर के कगारिया अरे डॉक्टर के पति से दल पहुंच तत्काल अरे खून या दवाई साथ लेके नौजवान अरे जख्मी लोगन के करे लागे उपचार अरे विश्व से लगभग अरे सहायता मिलल बा विश्व से करावल जाई नव निर्माण विश्व से करावल जाई नव निर्माण विश्व से करावल
और निर्माण में भी कवि के लिखे पर का लास्ट में बड़ा गाने का किया है। अरे सच्ची भगति सबके अंदर लावे के परी, अरे उजड़ल मानव का पिंजरवा फिर बसावे के परी, उजड़ल मानव का पिंजरवा फिर बसावे के परी, उजड़ल मानव का पिंजरवा फिर बसावे के परी। मन की आंखें खोलकर मानव सेवा करना आप, अगर कपट की चाल चलोगे अरे पाप के भागी आप, श्रद्धा के सुमनवा बरसावे के परी, अरे उजड़ल मानव का पिंजरवा बसावे के परी। भैया कहना बा, सेवा वितरित करो सुरक्षित, ऐसन नियम बनावा मानव के हित में ही मानव, अरे आपन कदम बढ़ावा, अरे आखिर एक दिन चितवा जरावे के परी, अरे उजड़ल मानव का पिंजरवा बसावे के परी, ओ उजड़ल मानव का पिंजरवा बसावे के, ओ उजड़ल मानव का पिंजरवा बसावे के परी, जावे के परी हो रे बचावे के, बचावे के परी हो रे, बचावे के परी हो रे बचावे, ओ पंधारी गुरु श्रद्धा की डाली देते उनवासी को, श्याम चरण मन शिव चरण जी अरे भजते नित कैलासी को, अरे लुटेरे ना शमशान देखते यादव राम हर गमगीन बदरिया घेरे, लुटेरे ना शमशान देखते इज्जत कैसे बाची। भैया आज का समाज इतना अपने स्तर से नीचे गिर गई बा कि कवि के लिखे पड़ल एक गजल के तर, और गजल वह बा बहुत पुरान गजल बा, लेकिन गजल को पुराना ना होत ओकर मुखड़ा कैसे बा। हाँ बिल्कुल सही कि ए मुसाफिर ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, दोनों आलम
ई गजल बा, लेकिन गाना के बोल का बा। आज गुलशन में कलियां सदा लुट रही, आज गुलशन में कलियां सदा लुट रही, आज गुलशन में कलियां सदा लुट रही। बिक रही लगा ही दिए भैया। कौन गुलशन जलल? कहानी की शुरुआत है, कहाँ की कहानी भाई, कहाँ के गुलशन जलल बा। कहानी बम्बई की ठाणे शहर के अंदर, एरौली गांव जो बसा है देखो अति सुंदर, वहीं की घटना एक शर्म ना कराई है, वहीं की बेटी बिंदु विश्वकर्मा भी लजाई है। पिता को भोजन देने जाती स्टेशन पे, 16 सावन जून 93 भवन पे, 93 में एरौली गांव में बिंदु विश्वकर्मा नाम का लड़की, ओकर पिता रेलवे स्टेशन पर नारियल बेच के अपने परिवार के गुजारा करत रहे। प्रतिदिन वह बाला अपने पिता के भोजन देने रेलवे स्टेशन पर जाया करती थी, लेकिन जब स्टेशनवा पे जा तो रास्ता में जे देखे राही बटोही, ओकर मन और कवि के लिखे पड़ल ओकरे चाल के ऊपर दुलाइन का। अरे कामिनी कामिनी के तू की जस चले मोरनी, कामिनी के बाझ बन के कसैया झपटी गया, कामिनी के कामिनी के दुखी जस चले मोरनी, बाझ बनकर झप कसैया झपट ही पड़ा। कसाई के रहल एक दिन के बात भैया, वह जो है बिंदु अपने पिता को भोजन देकर के वापस अपने घर आ रही थी। रास्ते में कुछ स्टूडेंट मिल गए, विद्यार्थीगण मिल गए और उसकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए और अश्लील हरकत करने लगे और गाना गाने लगे क्या, और गनवाई है गोले फिल्म आप आए बाहर आई गाना भाई, आए हाय हाय फिल्म बाहर आने तक बा। लेकिन कैसे, अरे काली तेरी चोटी है परंदा तेरा लालनी, काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालनी,
अरे किसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। लेकिन गाना तरज रहा लेकिन कहले का पापी कहे का अरे गोरे गोरे गाल तेरे होठ लाले लाल है। अरे नैन का जरा रे बिखर आए सर पे बाल है। अरे चाल मस्तानी बल खाएगी कमर जरा संभल के चल। चाल मस्तानी बल खाएगी कमर कि देखा तू इतना सुंदर हो इतना सुंदर लगत बाटू ते रुक जा। लेकिन और का कहें कि अरे दिल की ये तमन्ना मेरी जान तू बुझाए जा। अरे प्यासे दिलदार को तू पानी तो पिलाए जा। अगर ना मनु बात करब का अरे ना अरे दिल की ये तमन्ना मेरी जान तू बुझाए जा। अरे प्यासे दिलदार को तू पानी तो पिलाए जा। अरे नहीं तो दीवाने तेरे छोड़े ना डगर तू जाएगी किधर। नहीं तो दीवाने तेरे छोड़े ना डगर तू जाएगी किधर। नहीं तो दीवाने तेरे छोड़े ना डगर तू जाएगी किधर। अरे लड़की हमारी बात मान लो वरना ऐसे जाने नहीं देंगे। तब तक भैया दो आदमी उधर से आ रहे थे उन व्यक्तियों को देखकर वो पापी जो है भाग जाते हैं। वह लड़की बिंदु रोती हुई जो है आंख में आंसू लिए अपने भाई के पास आ जाती है और जब अपने भाई के पास आ जाती है तो भाई जब बहन के आंख में आंसू देखता है तो पूछ पड़ता है दो बात का पूछे ला भैया और तर्ज लग गई ली यहाँ और तर्ज या वह बात की मेरी बहना मेरी बहना बता दे तू बात हाल कैसी बनाई है रे मेरी बहना बता दे बात हाल कैसी बनाई है वो मेरी बहना बता दे हाल हाल कैसी बनाई है। कहता है अरे क्यों तू आंसू गिराई है बहना ओ मेरी बहना बता दे तू बात हाल कैसी बनाई है ओ मेरी बहना बता दे बात हाल कैसी बनाई है ओ मेरी बहना बता दे बात हाल कैसी बनाई है। अरे रो रो के बिंदु रे बिंदु रे बिंदु रो रो के बिंदु बिरन से बताई सुनत बिरनवा के आग लग जाई। क्रोध मनवा रे मनवा रे मनवा क्रोध मनवा में कैले या पार हाल कैसी बनाई है रे क्रोध मनवा में कैले या पार हाल बता रही है। भैया अपने ही पड़ोस के सेठ जी के लड़का रमेश और शिवशरण रास्ता में हमके छेड़खानी के लिए दोनों भाई दीपक और सूरज दो भाई थे। दोनों भाई जब इस तरह की बात सुनते हैं बहन के मुख से भैया सेठ जी के दरवाजे पर शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं और जब सेठ जी के दरवाजे पर शिकायत लेके जाना है तो कहे ने कहा भैया कवि के लिखे लाइन विदेशिया का आए कैसे बा कि क्रोधवा में लाला मन में आ भारी अपमान लिहले। अरे दीपक और सूरज पहुंचे सेठ की दुआरिया कहले अपने लाला नवा
के तनी समझाई देबा, अरे हम हल गरीबावन के कीमती जतिया। एक बात वो लड़का और सुंदर कहता है, क्या आप है या मेरा हमारा गरीब बानी घरावा के, अरे लेकिन हम ना बेचियापन गरीमा बगरिया। गलत सेठ जी, एक बात आप ध्यान में रख लें, हम गरीब अवश्य हैं पर अपनी गरिमा को अपनी इज्जत को दांव पे रखकर नहीं जीते हैं। भैया जब इतना बात लड़का कहले बा, सेठ जी अपने लड़का के बलाए के सामने कल डांट लें, दुष्ट तूने ऐसी हरकत की, लड़का स्वीकार कर लेता है। गुस्से में सेठ जी लाल दो तीन तमाचा जड़ देते हैं, लड़का उसमें मार खा लेता है लेकिन बदले की भावना लेकर के वहां से चल जाता है। शाम होता है, दो चार गुंडों को इकट्ठा करके दीपक और सूरज दोनों भाई को पिटवाने की ठेका दे देता है। भैया दीपक और सूरज शाम को जब सब्जी ले बाजार जात हमन, तो वहां का बात बा एक घटना घट गई का, और तर्ज बा यहाँ वो है भोजपुरी बा कि गौआ के पिछवारे चांद जब निकले चुपके से नदिया के पार चली आई हो, अरे नदिया रे नदिया रे नदिया रे नदिया, नदिया में पानी भरल हो ईरानी नैया पे हो के सवार चली आई हो, लेकिन गनों में कभी का लिख लें कि साँझ भइल दिनकर जब मुरझैले, साँझ भइल दिनकर जब मुरझैले दोनों बिरनवा बाजार चली भइले, रहियारे 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 रहिया रहिया में गुंडा ले सेठ के छोकड़वा, अरे बदला चुका लो इशार चली आई ले, रहिया में गुंडा ले सेठ के छोकड़वा। कलश सेठ के लड़का के भेजल गुंडा वहां पहुंच गए ले और दूर से तकाय धलस के दोनों बदमाश आ रहे हैं, इनको पकड़ लो और मारो। तो करें काकुल, अरे दीपक और सूरज के पिठिया पे पापी, अरे लठिया से मारे ले गोहरा के भाती, लठिया से मारे ले गोहरा के भाती, लठिया से मारे ले गोहरा के भाती। और क्या कहें कि यही रह सरऊ दुवार जनिया, यही रहा सरऊ दुबारा जनी आईहा, अरे बिंदु के खोजत हुड़ार चली भईले, भैया दोनों भाई की इतनी पिटाई कर देते हैं गुंडे कि दोनों भाई लाचार हो जाते हैं और धमकी दे देते हैं, इसलो इस कूड़ेदान में बैठ जाओ और जब तक हम वापस नहीं आते हैं तब तक यहीं रहना, अगर मिल गए तो दोनों हाथ पांव तोड़ दूंगा। भैया लड़का बालक 14 साल की अवस्था के डर जाते हैं, सहम जाते हैं गुंडों के सामने, और जब सहम जा लें तो
तो पापी गुंडे जो है आते हैं बिंदु के घर पे। जब घर पे आवेला भैया तो बिंदु का पिता बेचारा बुजुर्ग हुक्का लगाए के शाम के वक्त बा पियत हमन, और जब पहुंचले गुंडा चारपाई से बांध लें, और चारपाई से बांधने के बाद बिंदु के रसोई वाले घर में घुस गए, और रसोई घर में जाकर के जब देखना बिंदु वहां रोटी बना रही थी, और उसी अवस्था में वह पापी पिस्तौल दिखाने लगते हैं, और पिस्तौल दिखावे ना बिंदु डर जाले, और डर के कहे ले कहा भैया सुना कैसे कह ले तर जा हुए बार कि तारे 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 कितने नील गगन में तारे तारे लेकिन नायिका का कहले अरे तेरी उम्र हो उतनी साल, तेरी उम्र हो उतनी साल जितने नील गगन में तारे 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 कितने नील गगन में तारे 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 कितने नील गगन में तारे। यह तर्जबा। लेकिन बिंदु कहले वो बदमाश के हाथ में पिस्तौल लेके का कहले आए हाय भैया अरे भैया भैया जन तू जान से मारा भैया 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 जन तू जान से मारा भैया 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 जन तू जान से मारा भैया। अरे हम तोरे भारत की बेटी अरे तू ही बना कसैया है रे भैया भैया जन तू जान से मारा भैया 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 जन तू जान से मारा भैया। भैया बहुत बिना राना कर रही है लेकिन वो ठेकेदार करते क्या है। अरे मगर न माने नीच निर्दयी चाकू दिए धसाई अरे तेल छिड़क के उसके ऊपर आग दिए लगाई है रे भैया भैया जन तू जान से मारा भैया 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 जन तू जान से मारा भैया 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 जन तू जान से मारा भैया। बाबूजी भैया बबला बार बार विनय कर रही है लेकिन दुष्ट करते क्या है। तर्ज लग गई मास्टर और तर्ज विदेशिया बा माने ना कहा के बंद कर केवाड़िया हो अरे धुआं के देखे लाना नगर पूरा बसिया। भैया आग लग गई अबला अंदर जल रही है धुआं के जब लोग देख ले बा दौड़ लगा ले बा तो कवि के लिखे पड़न का तेरी के भावा और तेरी कैसे बा। अरे सहनाई ना गरीबी में बजी अरे बार माता दा सहनाई ना गरीबी में बजी अरे शासन सिसक रहा मानता अश्रु बहाई सहनाई ना गरीबी कहना पड़ा क्या। अरे आग लगा कर पापी उस दम अरे भागे हैं अंधियारे में अरे तमाश बिन बन लखे पड़ोसी दौड़े हैं गलियारे में लगे बुझाने आग
लगे बुझाने आग मगर तब तक जो बिटिया झुलस गई। अरे सुने खबर दीपक सूरज बाबू धरती जैसे खिसक गई। भैया जब दोनों भाई के पता लगल बा शहर में तुम्हारे घर में आग लगा दी गई है और तुम्हारी बहन जल गई है, दोनों भाई जैसे उनके पांव के तले से धरती हट जा रही हो, दोनों घबराए तो घर की तरफ आते हैं, तो कवि को लिखना पड़ा क्या आला कुमार बाब आए। अरे पवन खबर जबकी दुनहू बिरन भैया, अरे बहिनी के दशा के देखी रह भी लखाए, अरे थाने अंदर जाके तब रिपोर्ट लिखवाले, अरे थानेदार कई दिल तुरत बयान, अरे पोस्ट मार डम बदल सिया भेजा के, अरे दीपक और सूरज से लिखावला बयान हो। अरे दीपक और सूरज से लिखावला बयान हो। अरे सारी हवाली दरोगा जानी गई ले, अरे साहू के लड़ी कवन के धैला ताता काल हो, साहू के लड़ी कवन के धैला ताता काल हो, साहू के लड़ी कवन के धैला ताता काल हो। अरे फिर सारे गुंडवन के अरे पवले हवलिया कि मिले पांच पापी गई ले बंदी बना लिए, पांच पापी वाले बंदी भैया। जब दरोगा जी को खबर मिली किसी तरह से, वह दरवाजे पे आते हैं और दीपक और सूरज के बयान के अनुसार उन पापियों को गिरफ्तार कर लेते हैं जो उसमें शरीक थे। लेकिन इधर दरवाजे पे जब मातम छा जाता है, दोनों भाई अपनी बहन की अर्थी को कंधे पे लाद करके चल देते हैं शमशान की तरफ। तो कवि को लिखना पड़ा क्या, गाने का लास्ट प्रमाण है आए। अरे रोवे दीपक सूरज कांधे अरथी उठाई हो, काहे के जन्म लू तू गरीब घर आई हो, काहे के जन्म लू गरीब घर आई हो, काहे के जन्म लू गरीब घर आई हो, काहे के जन्म लू। आज अमीरो के बस्ती में गरीब न पाते दाना, महल दुमहला होटल से कुत्तों को आता खाना, लाख रुपए बात कभी क्या कह ले। अरे गरीब के बिटिया के समझे रजाई हो, काहे के जन्म लू तू गरीब घर आई हो, काहे के जन्म लू। भैया करते क्या है, चिता सजा कर बिंदु के बीच में बिंदु को दिए लिटाई, चिता सजा कर बिंदु के बीच में बिंदु को दिए लिटाई, जाग उठो अब देश के बासी अरे कदिन सब पर आई, जहरीला फरया मिरवल कमिल के कूचल जाई हो, काहे के जन्म लू गरीब घर आई हो, काहे के जन्म लू गरीब घर जाई हो। पंधारी कहे समाज के द्रोही जरा तू हो संभालो, श्यामा कहे शिव चरण से नायन गिनत पड़ी है भाले हो, सहनाई ना गरीबी में बजी, अरे सहनाई ना गरीबी में बजी, यादव राम हरक सार से नेह लगाई, सहनाई ना गरीबी में यादव राम हरक सार से नेह लगाई। बाबू राम
सुहा। अरे कठवा कन्हैया मैया गुरु जी का खेलू मैया कगजे कन्हैया बा हमार। हवा की काल व्यास जी के बाया दे काल व्यास जी के बाया दे मोरे भैया राम बाट काल व्यास जी के दे। अरे हमारे संगतिया दुलारे कहे तेरी आखी टीपिया दो चेहरानी रे। अरे टीपिया दो चेहरानी रे मोरे भैया बाबू टीपिया दो चेहरानी रे। टीपिया दो चेहरा नी रेख मोरे भैया रामा टीपिया दो चेहरा नी रे। टीपिया दो चेहरा नी रेख मोरे भैया टीपिया दो चेहरा नी रे। टीपिया दो चेहरा नी रेख मोरे भैया टीपिया दो चेहरा नी रे। गाँव राम हरक मैं कैसी में बिरा हवा की काले व्यास जी के बाया दे। काले व्यास कह दे।